Hello viewers, welcome to NOK TV. I am going to teach you a very small but meaningful poem of Carl Sandburg. Carl Sandburg was an American poet and he was born in 1878 and died in 1967. In this poem, he tells us about the involvement of nature in this world. दुनिया के साथ अल्लाह ताला कैसे इन्वॉल्व होते हैं एंड दैट इज़ द फोग है फोग एक नेचुरल फिनोमिना है जिस तरह रेन है क्लाउड्स हैं स्टॉम्स हैं हवा के तूफान हैं पानी के तूफान हैं फ्लड है अर्थ क्विक है दीज आर बाई गॉड तो ये भी एक खुदा की तरफ से होता है एक नेचर की एक इन्वॉलमेंट है इन द ह्यूमन लाइफ इंसानी ज़िंदगी में उसी के ऊपर ये पोइम है कि फोग उसने एक देखी है ही वॉज गोइंग समवेयर फॉर एन इंटरव्यू एंड ही सा द फोग ही हैड टू स्टॉप बिकॉज ऑफ द फोग स्टॉप उसको रुकना पड़ा फोग की वजह से बिकॉज देर वॉज नो मूवमेंट नो नो वन कैन सीन कैन इन द फ में किसी को देख नहीं सकते नज़र नहीं आता कोई चल भी नहीं सकते कार भी नहीं चलती गाड़ियाँ भी नहीं चलती तो ट्रैफिक थोड़ी देर के लिए जो है वो पैरालाइज हो जाती है उसी फॉग के बारे में बात कर रहा है शहर ने देखी है उसको और उसका ये एक जो है ना पर्सनल एक्सपीरियंस है दैट ही इज़ गोइंग तो टू शेयर विद दस इन दिस पोएम फोग फोग का मतलब क्या है मिस्ट मिस्ट का मतलब क्या है धुंध फोग में धुंध मिस्ट जो हवा में फैलती है सर्दियों में व्हेन द मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर इनक्रीज़ जब हवा में नमी का तनासुब बढ़ जाता है इन विंटर सीज़न तो क्या होता है फिर वही जो हवा में नमी का तनासब होता है एंड द ड्रॉप्स ऑफ वाटर टर्न इन टू वो फॉग बन जाते हैं जम जाते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं और वो फ्रीज हो जाते हैं आइए देखते हैं वट इज़ इन द फ बता दिया आपको मिश को कहते हैं धुंध को कहते हैं तो उसने की बात की है दोक कम्स फोक आती है कैसे आती है आगे आपको बता रहा है फोग मैंने बता दिया धुंध है कम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस लगा हुआ दी आर्टिकल लगाया उसने धुंध आती है फोग आती है मिस्ट आती है आती है तो क्या होता है ऑन लिटिल कैट फीट लिटिल कैट फीट कह के ना उसने यहाँ पे एक मेटाफर यूज़ कर दिया है क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच में मेटाफर जो है ना इट हैज़ अ प्रोमिनेंट प्लेस इन लिटरेचर एज वेल एज सिमिली एज वेल एज एलिट्रेशन एलिट्रेशन मेटर जो मेटाफर होता है वो किसी चीज़ को हम डायरेक्ट ही कह देते हैं देखिए ना मैं आपसे कहता हूँ कि वो शेर की तरह बहादुर है ही इज़ ब्रेव लाइक लाइन ये मैंने मेटाफर यूज़ नहीं किया ये मैंने सिमली यूज़ की है मैंने शेर की तरह लाइक like लगाया है ही इज ही इज ब्रेव एज लाइन शेर की तरह अगर मैं डायरेक्टली कहूँ ही इज़ अ लाइन वो शेर है तो ये मेटाफर है ही वो बात कह देना उसने लाइक like नहीं कहा कैट की तरह उसने कैट को ही बोल दिया दैट इज़ कॉल्ड मेटाफर और यहाँ देखें ऑन लिटल कैट फीट जो धुंध आती है ना, फोग आती है वो कैसे आती है बिल्ली के छोटे पाँव पर पा बैठ के आती है यानी कैट के छोटे पाँव पर बैठ के आती है ऑन प्रपोजिशन होती है ऊपर ऊपर को शो करता है ये और कहना ये चाहता है कि कैट की तरह दबे पाँव आती है आप देखें जहाँ कहीं पिन ड्रॉप साइलेंस होगी जहाँ कमी बिल्कुल खामोशी होगी क्वाइटनेस होगी साइलेंस होगी वहाँ कैट अगर आएगी ना आपको उसकी आवाज़ भी नहीं आएगी उसका चलने का ये स्टाइल है दबे पाँव चलती है पाँव के ऊपर दूसरा पाँव रखती है और उसकी आवाज़ नहीं आती ज़रा भी नहीं आती फिर वो आकर बैठ जाती है पिछली टांगों के ऊपर इसी तरह उसने कहा है ये उसने मेटाफर लगाया है और ये कहा है कि कैट की तरह धुंद आती है क्योंकि आप देखें जब रेन आती है तो शोर होता है जब बादल गरजते हैं थंडरिंग तो शोर होता है जब कोई जो है ना तूफान आता है तो शोर होता है लेकिन जब धुंध आती है तो कोई शोर नहीं होता और इसी तरह बिल्ली की जब आवाज़ बिल्ली आप आती है कैट आती है उसका भी शोर नहीं होता वो आके बैठ जाती है चुप करके पिछली टांगों पे अपना जो है ना अपना बटक रख के या अपना हंच रख के बैठ जाती है लेकिन वो शोर नहीं करती और चुप करके चली जाती है विदाउट एनी विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी नॉइस बग़ैर शोर किए सेम पोजिशन है यहाँ फोक की इसलिए उसने फोक को कैट के साथ जोड़ा है कि कैट के पाँव पर बैठ के आती है यानी कैट की तरह आती है जस्ट लाइक like कैट कि वो उसकी आवाज़ नहीं आती मैंने बताया ना हर चीज़ की आवाज़ होती है लेकिन फोक की आवाज़ नहीं होती चुपके चुपके आती है चुपके चुपके, चुपके चली जाती है इट सिट्स लुकिंग और ये बैठ जाती है आगे कौन बैठ जाती है फोक की बात कर रहा है इट इज़ फॉर सोग फोक इट फोक के लिए लगाया गया है ये बैठ जाती है लुकिंग लुकिंग कंटिन्यूस लगाया उसने जो ये शो करता है कि वो देखती है आकर उसका एक उसका एक प्रोसेस है देखने का वो बैठ जाती है आके कहाँ बैठती है वो भी आगे बताया है धुंध जो है फोग जो है मिस्ट जो है वो बिल्ली की तरह दबे पाँव आती है खामोशी से आती है और आके बैठ जाती है बैठ के दुनिया को देखती चूँकि ऊपर होती है ऊपर होती है हवा में तो वो सब कुछ देख सकती है वो हार्बर को देखती है लोगों को देखती है मूवमेंट को देखती है जो एक्टिविटीज उसको देखती है तो ये इसी की बात कर रहा है किसकी फोक की इट सिट्स लुकिंग ये बैठ के देखती है क्योंकि उसने बिल्ली की तरह कहा है तो आप गौर करें जो फोग है ना ये एक नॉन लिविंग है लिविंग थिंग नहीं है ये लेकिन उसने इसको लिविंग थिंग बना दिया जस्ट लाइक कैट बिल्ली की तरह नॉन लिविंग को लिविंग बना के उसने प्रोसोनिफिकेशन यूज़ की है प्रोसोनिफिकेशन इज़ आल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच और वी यूज़ इट हम उसको यूज़ करते हैं किसी नॉन लिविंग को लिविंग बनाने के लिए जब हम किसी बेजान चीज़ को जानदार जानदार का स्टेटस देते हैं तो हम यूज़ करते हैं प्रोसोनीफिकेशन जिस तरह हम कहते हैं कि बारिश जो हो रही है तो गीत गा रही है तो बारिश थोड़ी गीत गाती है उसकी आवाज़ को उसने कह दिया है सेम यहाँ है कि वो बैठ जाती है और देखती है उसने क्या देखना उसकी तो आंखें नहीं होती मतलब ये है कि ही इज़ यूजिंग प्रसोनीफिकेशन इन दिस पोएम और मेटाफर इन दिस पोएम और उसने कहा कि वो देख रही है हमें सबको देखती है फिर क्या होता है ओवर द हार्बर एंड सिटी यहाँ बैठी है वो हार्बर पे बैठी है और सिटी के ऊपर बैठी है सिटी के ऊपर बैठी पूरे शहर को देख रही है क्योंकि पूरे शहर के ऊपर धुंध है इट टेल्स दैट द फॉग हैज़ कवर्ड ऑल द सिटी एंड एज वेल एज ऑल द हार्बर वाट इज़ हार्बर हार्बर इस बंदरगाह को कहते हैं हार्बर कहते हैं शिप जिसे जिस तरह बसों का अड्डा है तो उसको हम लारी अड्डा कह लेते हैं बस स्टैंड कह लेते हैं अगर ट्रेन का तो उसको हम स्टेशन कह देते हैं अगर एयर का एरोप्लेन का उसको हम एयरपोर्ट कह लेते हैं अगर शिप का जो अड्डा है जहाँ शिप आके रुकते हैं और वो अपना जो है ना रिफ़्रेश होते हैं उसको हम कह लेते हैं हार्बर हार्बर कह लेते हैं और उसकी एक शिप वहाँ एक प्लेस होती है अलग से बनाई हुई दैट इज़ कॉल प्लेटफॉर्म जहाँ पे जहाज जो है वो शिप जो है वो लोडिंग और अनलोडिंग होती है उसको हम डॉक कहते हैं डॉक यार्ड तो यहाँ बात हो रही हार्बर की कि वो हार्बर के बंदरगाह पर आके बैठ जाती है दूसरा मतलब ये भी कहने का है हार्बर का चूँकि पानी के ऊपर जहाँ के पानी होगा वहाँ ही धुंध कुछ ज़्यादा होती है जहाँ सब्ज़ा होगा जहाँ ट्री ज़्यादा होंगे वहाँ धुंध ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है हवा में नमी का तनासब बढ़ जाता है उसी हिसाब से धुंध भी बढ़ जाती है तो यहाँ हार्बर कहने का भी यही मतलब है कि बहुत ज़्यादा धुंध है और सिटी कहने का मतलब सिटी यहाँ शिकागो की वो ले रहा है वो बैकग्राउंड इसका बैकग्राउंड शिकागो सिटी की बात कर रहा है वो शिकागो सिटी के ऊपर वो खड़ी है और वो देख रही है सारों को और हार्बर के ऊपर खड़ी है वो जहाज़ों को आते जाते को देख रही है फिर क्या होता है ऑन साइलेंट हाचिस ये है असल में ये यहाँ कैट के साथ जोड़ दिया उसने क्योंकि कैट जो है ना इट सिट्स ऑन इट इट्स बैक लेग्स पिछली टांगों पे आपको बैठती है उसने हाचिस लगा दिया हाचिस कहते हैं द बटिक ऑफ योर पार्ट ऑफ योर पार्ट ऑफ योर बॉडी दैट इज बटक एंड थाई बटक या हाचिस जो, जो जमीन पे लगा के आप बैठते हैं योर सीट इसको उसने हंच कहा है कह रहा है दोनों आती है बिल्कुल कैट की तरह कैट भी ऐसी बैठती है कैट भी अपनी पिछली साइड ज़मीन पर रखती है अगली टांगे ऊपर उठाती है और वो अपने हंचिस पे बैठती है सेम उसने कहा है उसको फोक को कि फोक भी अपने हनचिस पे बैठती है लेकिन फ़र्क क्या है हमारे हनचिस और कैट के हनचिस और उसके हनचिस में कि वो शोर नहीं करती क्योंकि बैठने के लिए चेयर चाहिए या बेंच चाहिए या ज़मीन हो या कोई शीट होगी या कोई प्लास्टिक की शीट होगी कोई कोई कुछ होगा मटेरियल होगा ना कुछ तो वो कुछ आवाज़ भी करेगा जब बैठेंगे उठेंगे तो जो फोक के हंच हैं वो शोर नहीं करते यही बात आगे आ रही है ऑन साइलेंट हंचज वो अपनी खामोश जो है ना हंचज पर बैठ जाती है खामोश अपनी पिछली टांगों पे बैठ जाती है तो फिर बैठ के क्या करती है एड देन मूव ऑन फिर वो चली जाती है जस्ट लाइक कैट फिर मूव ऑन मूव ऑन होता है टू गो अवे चले जाना क्योंकि आती है धुंद चली जाती है ये एक टम्प्रेरली जो है ना एक्शन होता है अल्लाह ताला का एक टम्प्रेरी जो चीज़ है अल्लाह ताला भेजते हैं चूँकि अल्लाह ताला ने इस कायनात को बेलगाम ही छोड़ा हुआ अल्लाह ताला ने जो कायनात बनाई है अपनी मखलूक बनाई है अपनी क्रिएशन बनाई है उसको अपने हाथ में रखा हुआ है वो गाहे बगाे इसको जर्क देकर झटके दे के चेक करते हैं और अल्लाह ताला की कोई तख्लीफ़ ऐसी नहीं है जो उसके कंट्रोल से बाहर हो तो अल्लाह ताला की तरफ से आती है फिर चली जाती है फॉर द टाइम बीइंग होता है टेम्परेरली होता है और ये शो करता है इस चीज़ को कि टेंपरेरली परेशानी आती है बंदे को और वो ख़त्म भी हो जाती है तो यहाँ है एंड देन फिर क्या होता है मूवज ऑन फिर वो चली जाती है कौन चली जाती है धुंध चली जाती है फोक चली जाती है जस्ट लाइक कैट कैट आती है आपने देखा है आती है दबे पाँव आके चुप करके बैठ जाती है वो डॉग की तरह बार्क नहीं करती या किसी और जानवर की तरह बोलती नहीं है चुप करके देखती रहती है और इन्जॉय करती है और देख कर वापस चली जाती है जिस तरह धुंध आती है फोग आती है शहर के ऊपर खड़ी हो जाती है हार्बर के ऊपर खड़ी हो जाती है पूरी दुनिया को ऑब्जर्व करती है और उसके बाद वो चली जाती है यही इस पोइम का मैसेज है तो अब इस पोइम में राइटर इस पोइम के वाया इस पोएम के द्वारा हमें क्या मैसेज देना चाहता है इसका थीम क्या है थीम यही है कि नेचर इन्वॉल्व इन द ह्यूमन लाइफ ह्यूमन लाइफ में नेचर इन्वॉल्व करती है तो मैंने आपके लिए एक इसका थीम बनाया है लेट्स लेट अस सी द थीम थीम फॉग इज़ इंडिपेंडेंट एंड पेशेंट लाइक कैट क्योंकि उसने कैट के साथ जोड़ा है इसको फॉग जो है ये एक इंडिपेंडेंट होती है और पेशेंट होती है लाइक कैट बिल्ली की तरह इंडिपेंडेंट इसलिए किसी के अंडर नहीं होती है कि हम उसको चाहें कि रोक लें चाहें तो हमारे क्योंकि ये दिस इज़ नॉट आर्टिफिशियल दिस इज़ फ्रॉम गॉड नेचर है ये नेचर को हम चेंज नहीं कर सकते ये पेशेंट होती है और सब्र होती है जिस तरह कैट की साथ जोड़ दिया उसने कैट आके बैठ जाती है तो कोई बौंकती नहीं है बार्किंग नहीं करती कोई शोर नहीं डालती मुझे दें कुछ नो no. तो उसी को एग्जांपल दिया उसने कि पेशेंट है और इंडिपेंडेंट है फिर उसने कहा है फोक कम्स इन टू द ह्यूमन लाइफ इंसानी ज़िंदगी में फोग आती है साइलेंटली खामोशी के साथ आती है वी कैन नॉट ट्रेवल और सी ईच अदर इन द फॉग इस फोग में हम एक दूसरे को देख नहीं सकते हम सफ़र नहीं कर सकते ट्रैवल नहीं कर सकते गाड़ी नहीं चला सकते बिकॉज ऑफ़ फोग तो ये मैंने कहा था ना कि टम्परेरली परेशानी होती है कि जिस तरह इंसान पे टम्परेरली परेशानियाँ आती हैं और जब पें्स आती हैं और फॉर द टाइम बीइंग होता है वो उसके बाद वो रिमूव हो जाता है जूँ ही कहते हैं कि उसके उसके दिन जो है वो उस उस उसके जो फोक के दिन है वो ख़त्म हो गए हैं मतलब उसके परेशानी के दिन ख़त्म हो गए हैं तो फोक भी इसी चीज़ को शो करती है जब आपके ऊपर एक पैरालाइज किस्म का इन्वामेंट बना हो आपका एक ऐसे हालात बने हों जब आप परेशानी में हो वो आर्जी हो बीमारी आ गई है बुखार हुआ है तो वो कहते हैं आएगा चला जाएगा ये फ्रॉम गॉड होता है फिर उसने कहा है यू कैन सी हो द नेचर इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ आपने देखा नेचर हमारी ज़िंदगी में किस तरह इन्वॉल्वमेंट करती है नेचर हमारी जिंदगी में इन्वॉल्वमेंट करती है किसी ना किसी शक्ल में एंड कैन डोमिनेट और ये हमारे ऊपर गलबा रखती है कौन रखती है नेचर इन द इन द शेप ऑफ फॉग इन द शेप ऑफ़ रेन इन शेप ऑफ क्लाउड थंडरिंग स्टॉर्म्स अर्थ सो एंड सो ये हमारे ऊपर डोमिनेट रखती है कौन फोग और नेचर यह नेचर कह रहा है वो इट डज़ नॉट हैव एनी वर्ल्डली पावर देखें इसके अंदर कोई वर्ल्डली पावर नहीं होती इंसान के पास पावर होती है तोपे होती हैं गन्ने होती हैं जहाज होते हैं तो फोक के पास तो कोई पावर नहीं होती कोई वेपन नहीं होता कि जो वो यूज़ करे वो आपको वो अंडरटेक लाने की कोशिश करे ऐसा कुछ नहीं होता फोक के पास लेकिन फिर भी क्या होता है आपकी ज़िंदगी को जाम कर देती है वो यही बात उसने लिखी है ट फिर भी इट इफ़ेक्ट्स द ह्यूमन एक्टिविटीज़ ये फिर भी कहता है इंसानी ज़िंदगी पे असरानंदाज होती है फोग आती है आप कुछ भी नहीं कर सकते नज़र नहीं आता कहाँ जाएंगे आप कैसे गाड़ी चलाएंगे कैसे एक्टिविटीज़ आपकी जो है ना पैरालाइज हो जाती है थोड़ी देर के लिए तो कह रहा है विदाउट पावर ये पावर अल्लाह की अल्लाह ताला ने उसको दी है उसकी पर्सनल पावर जो है फ़ोर्स उसके पास कोई वेपन नहीं है फिर उसने कहा है इट गिव इट आल्सो गिव अस द मैसेज ऑफ चेंज ये हमें एक चेंज और होप का मैसेज भी देती है पोएम होप इसलिए होती है कि आपको पता है कि इस धुंद के बाद फोक के बाद क्लियर हो जाएगा दिन तो मेरे दिन जो है वो अच्छे आने वाले हैं नाइट के बाद भी हमें एक मैसेज मिलता है कि जब नाइट आती है उसके बाद में दिन आना है लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग पीरियड होता है राय रात का दस बारह घंटे लेकिन फोक का जो होता है वो मॉर्निंग ही होती है मॉर्निंग एक दो घंटे होती है उसके बाद फोक ख़त्म हो जाती है ये हमें एक मैसेज देती है होप का कि अब होप आने वाली है एक चेंज आती है एक जैसे एनवायरनमेंट में रह के ना इंसान तंग आ जाता है तो कभी रेन आ गई कभी फोग आ गई कभी थंडर आ गया तो ये चीज़ें ना अल्लाह ताला भेजते हैं इसलिए कि वह चेंज का मैसेज भी इसके अंदर छुपा हुआ है इसके अंदर होप भी छुपी हुई है इसके अंदर ऑप्टिमिज्म भी छुपा हुआ है नेचर डिड नॉट लीव द वर्ल्ड नेचर ने नहीं छोड़ा दुनिया को नेचर ने दुनिया को अनचेंड अनचेंड होता है बग़ैर जंजीर डाले यानी कि ओपन नहीं छोड़ा एयर ब्राइडलैस ब्राइडर कहते हैं लगाम घोड़े की लगाम होती है ना काबू करने के लिए अल्लाह ताला ने भी इसको लगाम डाली हुई है अल्लाह ताला ने लगाम नहीं छोड़ी अपनी दुनिया बना के गॉड हैज़ फुल कमांड ओवर दिस वर्ल्ड ओवर दिस यूनिवर्स तो अल्लाह ताला की इस कमांड की वजह से ही हम सारे जो हैं वो नेचर के किसी ना किसी तरह से पुजारी हैं जिसको वर्ल्ड वर्स ने भी कहा था ना के आई एम आई एम वर्शिपर ऑफ नेचर क्योंकि नेचर जो है वो हमारे ऊपर कमांड करती है किस तरह करती है आपने इस पोएम में देख लिया सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट